वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम जसमीत कौर है। मेरे पिता जी का नाम भुपिंदर सिंह है। असं पटियाला शहर तो बिलोंग करते हैं। मैं आप जी सामने गुरु तेग बहादुर जी के जीवन बारे बटबुली जानकारी देवगी। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1 अप्रैल 1621 गुरु हरगोबिंद साहब जी के घर माता नानकी जी की कुखों अमृतसर गुरु के चक विखे हो जिथे अजोके समय में गुरुद्वारा गुरु के महल अमृतसर सुशोभित है। आप जी के 4 भरा 1 भैन से। आप जी के दादा जी का नाम गुरु अर्जन देव जी, दादी जी का नाम माता गंगा जी, आप जी का नानका पिंड बकाला अमृतसर पंजाब से। आप जी के नाना जी का नाम भाई हरिचंद जी, नानी जी का नाम माता हरदेव जी से। आप जी का विह 1632 करतारपुर जलंधर विखे माता गुजरी जी नाल कीता गया। 22 दिसंबर 1666 पटना विखे आप जी के घर गुरु गोबिंद सिंह जी ने जन्म लिया। गुरु तेग बहादुर जी ने 13 साल की उम्र में ही करतारपुर की जंग में अपने तेग के जौहर दिखा दिते सन। आप जी ने अपनी उम्र के पहले 9 साल अमृतसर विखे बतीत किए। आप जी 20 साल की उम्र में अपने नानके पिंड बकाला विखे चले गए। आप जी ने अपने चाचा गुरु हर राय जी की आज्ञा अनुसार 1656 दे विच पूर्वी प्रांतों में धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया गया। जो आप जी हरिमंदर साहब अमृतसर विखे दर्शन कर गए तो पुजारियों ने आप जी लई हरिमंदर साहब के दरवाजे बंद कर दिए, पर आप जी उत्थे ही बैठे रहे। उस उत्थे हुण गुरुद्वारा थड़ा साहब सुशोभित है। वल्ले पिंड के लोगों वालों बेनती करन ते आप जी उन्होंने पिंड चले गए और उन्होंने खुश हो के उन्होंने आशीष दी कि वल्ला गुरु का गल्ला ते उपदेश दिता कि वाहिगुरु जी का नाम जपन नाल ही भवसागर तो पार होया जा सकता है। वल्ले ठहरन तो बाद आप जी घुगे वाली अमृतसर चले गए, जिथे आप जी ने एक गुरुद्वारा गुरु का बाग वसाया। घुगे वाली अमृतसर तो बाद अजनाले तो हुंदे हुए तरन तारण गए। तरन तारण तो बाद आप जी खंडूर साहब गए। खंडूर साहब तो बाद आप जी 1664 गोइंदवाल साहब गए। गोइंदवाल साहब तो बाद आप जी खेमकरन साहब गए। खेमकरन साहब तो बाद आप जी चोला पिंड गए, जिथे गुरु नानक देव जी का चोला साहब सुशोभित है। चोला साहब तो बाद आप जी डरौली गए, जिथे आप जी अपने मासड़ साईदास जी को ठहरे। तलवंडी साबो विच आप जी ने एक सरोवर की खुदवाई की सेवा की। आप जी ने एक नगर वसाया माता आप जी ने एक नगर वसाया जिसका नाम चक नानकी सी। यह नगर आप जी ने अपनी माता जी के नाते वसाया सी। जदों गुरु गोबिंद सिंह जी पहली बारी पटना तो आनंदपुर साहब आए तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने संगतां दे नाल बैठ के आनंद साहब दीआं पहलियां 5 पौड़ियां कीतियां, जिस तो खुश होकर गुरु तेग बहादुर जी ने इस नगर का नाम आनंदपुर साहब रख दिता। इस नगर का नाम आप जी के माता जी के नाते रख्या गया सी। चक नानकी का पहला नाम मखोवाल सी। इस नगर की नींह 19 जून 1665 रखी गई सी। 19 अप्रैल 1661 आप जी प्रयाग गए। 21 जून 1661 आप जी बनारस गए। ढाका असाम पटना आप जी ने बहुत सारे प्रांतों में जाके धर्म का प्रचार किया। इन्हे ही औरंगजेब की क्रूरता बढ़ गई सी। उसने बहुत सारे जुल्म करने शुरू कर दिए सन। 25 मई 1675 कश्मीरी पंडित आप जी के कोल अपने धर्म की रक्षा की गुहार लेके आए। आप जी ने दिल्ली वाले रवाना होने का फैसला किया। दिल्ली जाने तो पहले आप जी ने 8 जुलाई 1675 गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरियाई बख्शी। उस समय गुरु गोबिंद सिंह जी की उम्र केवल 9 साल की सी। 10 जुलाई 1675 आप जी भाई उदा जी, भाई दयाला जी, भाई गुरदिदा जी, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी समेत दिल्ली वाले रवाना हो गए। आगरा पहुँचते आप जी ने भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी, भाई दयाला जी कैदखाने कैद कर लिया गया। उस उत्थे आप जी 3.5 महीने कैद करके रखा गया। 4 नवंबर 1675 आप जी दिल्ली के चांदनी चौक विखे हाजिर करवाया गया। उस समय दिल्ली का सूबेदार साफी खान सी। आप जी दी अखां सामने बहुत ही दर्दनाक तसीहे दे के आप जी दे सिख भाई दयाला जी, भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी शहीद कर दिता गया। 11 नवंबर 1675 दिल्ली के चांदनी चौक विखे आप जी का सीस धड़ तो अलग करके आप जी ने भी शहीद कर दिता गया। जो आप जी शहीद किया गया तो आप जी जपजी साहब का पाठ कर रहे थे। जिथे आप जी शहीद किया गया उत्थे गुरुद्वारा शीशगंज साहब सुशोभित है। आप जी का शीश आनंदपुर साहब भाई जैता जी ने पहुँचाया सी। जिस स्थान पर आप जी का धड़ का संस्कार किया गया उत्थे गुरुद्वारा रकाबगंज साहब सुशोभित है। आप जी के धड़ का संस्कार भाई मणि सिंह जी के सोहरा भाई लखी शाह मणजारा जी ने करिया सी। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के आप जी के 59 शब्दों के नाल दोहरा समेत 57 श्लोक 15 रागों में हाजिर हैं। 273 साल बाद 1948 UNO ने अपने चार्ट में यह दर्ज किया कि गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी मनुखी अधिकारों के हित में ही सी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।